और कल से जिस डिप्रेशन में मैं जिस एंजाइटी में मैं हूँ जो मैं फेस कर रही हूँ इसे मुझे पता है। और मेरी फैमिली को, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि उसको लगा था कि उसने अपनी बेटी खो दी है। मैं चीखें मार रही थी क्योंकि मैं उस वक्त फ़ोन पे थी, मैं चीखें मार रही थी और वो जो मेरे साथ फ़ोन पे थे वो मेरी चीखों से पागल हो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई नहीं बचा सका उस टाइम पे, खुद ने बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। कल मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। मैं कल डिफेंस में रमादा क्रीक के सामने खड़ी हुई थी, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। तीन आदमी आए, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार, तीन आदमी आए, उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे, मेरे हाथ में मोबाइल थे, मेरे शोल्डर पे मेरे बैग्स थे, मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, वो सिर्फ रश की वजह से फंसे हुए थे और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और वो मुझसे पहुंच नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ इसलिए आगे होकर खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और वो मेरे लिए रहमत वाली बारिश क्यों रही, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे बचा पाई। वो आदमी, उन्होंने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ, उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखें मारना शुरू की, किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, मेरे सामने चार गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। मैंने अपनी प्रोटेक्शन खुद की, मेरे पांव पे जोर से लगाए, मैंने बाइक को धक्का दिया, उसके हाथ में लोडेड गन थी और मैं भागी हूँ और वो पीछे से गोली मुझे मार सकता था या मेरे पेट पे गोली मार सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को खुद बचाया। जैसे ही मेरी चीखें सबने सुनी, मैं चलती गाड़ी के आगे आई, उनको रुकवाया मैंने और उस फैमिली ने मुझे बचाया। वो गाड़ी से उतरे, रमादा की पूरी टीम बाहर आई, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और वो मुझे अंदर लेके गए। मैं विक्टिम हूँ उस चीज का, कैसे बोलूं कि मैं टैक्स पेयर हूं, मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक टैक्स पेयर हूं, मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूं, मैं किस वजह से टैक्स देती हूं, मैं अपने लिए उस उन टैक्स के पैसे बचा के चार गार्ड रख लूं, इससे बेहतर तो मैं, पता, हमेशा हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये कौन से शशके हैं, कौन से लोग हैं जो अपने डाले, अपनी गाड़ी के पीछे डाला लेके चार चार गार्ड्स बिठा के लेके घूमते हैं। नो वंडर क्यों घूमते हैं, नो वंडर के हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके क्यों सेटल होते हैं, नो वंडर के प्रोटेक्शन ही नहीं है। क्यों आप लोग इस बात पे ये इशू उठाते हैं कि ये आपके गाड़ी के शीशे टिंटेड क्यों हैं, अगर इतनी ही परवाह है, इतनी ही आपको बुरी लग रही है तो आप लोग सिक्योरिटी दो हमें, आप लोग सिक्योरिटी दो हमें कि हम ये टिंटेड ग्लासेस ना लगा के घूमे। मेरी दोस्त की दोस्त के साथ हुआ है ये, उस लड़की को किडनैप किया है और आज तक वो लड़की मिल नहीं पाई, अभी तक नहीं मिल पा रही, उसका फोन, उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं मिल पा रही और वो इस्लामाबाद में किडनैप हुई और वो नहीं मिल पा रही। मेरे साथ वो कल होने वाला था, किस वजह से आप लोग, किस वजह से ये रोडों पे रश और ये हम अभी देखिएगा पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ होगा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, झंडे को साथ यू प्राउडली तस्वीर लगाना, बींग अ मुस्लिम आई कैन से प्राउडली दैट आई एम अ मुस्लिम, लेकिन बींग अ पाकिस्तानी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट कल जो मैं बची हुई मुझे पता मैं कैसे बची हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, ना ये सिक्योरिटीज जो सामने बैठी हुई थी, ना ये जितनी यहाँ पर मोबाइल्स और जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक माँ बाप अपनी औलाद को खो देता और आप लोग क्या से अफसोस करते, चार दिन मेरी तस्वीरें पेजेस पे लग रही होती एंड दैट्स इट, आई एम अ विक्टिम, मुझे कल किडनैपिंग से मेरे अल्लाह ने और मैंने खुद ने बचाया, मेरे पेट पे गन रखी हुई थी और वो कभी भी चल सकती थी। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को कि ये रहे वो, मैं सिर्फ उन लोग, उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, जो जो समझती हैं कि नहीं वो कर लेंगी, वो कुछ नहीं कर सकेंगी उस टाइम पे जब वो हो रहा होगा, तो जो लोग हैं आप लोग प्लीज अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर आप ये प्राउडली कह सकें जी हम मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करके गाड़ी खुद चला के निकलते हैं। पहले भी बोला था या तो लाशें मिलती हैं या तो सड़कों में ऐसी पड़ी हुई मिलती हैं, कल मैं ऐसे होने वाली थी।